दर्शक वृंद नमस्कार, कोरोना विशेष में स्वागत करै छी। नेपाल के बात कयल जाए तो पिछला समय में कोरोना संक्रमित के संख्या बढ़त जा रहा है, 5 गोटे के मृत्यु समेत भऽ चुकल छै, एक दिस लॉकडाउन सेहो जारी छै। जै हिसाब से सीमा क्षेत्र से विशेष क के भारत में रह रहल छै नेपाली सब, हुनका सब के आगमन भेला लगले संक्रमित के संख्या सेहो बढ़त जा रहल छै। आब ई कोन देता एहि विषय में चर्चा कर जा रहा छी। एक गोटे डॉक्टर जे 20 साल से चाइना में काज करते आबि रहल छै, आइ ओ संपर्क में छै गायघाट से, उदयपुर के गायघाट में अखन छै, हुनका से बातचीत करब। आ विशेष क चीन के जे हेल्थ सेवा केहन छै आ नेपाल के केहन छै अहु संदर्भ में बातचीत करब। ओ छै डॉक्टर रमित गुप्ता, बाल मोटू रोग विशेषज्ञ छै। सबसे पहले हुनका स्वागत करै छी। अपने के स्वागत छै डॉक्टर। नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी। डॉक्टर साहब, अखन जे हिसाब से सरकार कोरोना रोकथाम आ नियंत्रण के प्रयास कर रहल छै, पिछला किछु महीना तक ठीक छलै, आब के समय में देखल जाए करीब करीब बुझा जाए तो 2 महीना के बाद एकाएक संक्रमित के संख्या बढ़ गेल है, लेकिन कोन रूप में लड़ल छै अपने? ई जे समस्या है अभी बहुत विकराल भ रहल है। हम सब अभी नेक्स्ट स्टेज में एंटर कर रहल छै, जे कि एकदम रैपिड ट्रांसमिशन स्टेज कहै छै ओकरा, तो उ स्टेज में अभी बहुत ही विकराल समस्या और भी हमरा सबके भविष्य में और भी देखा पड़ते हैं। हम एक्सपेक्ट की कर रहल छै कि जे नंबर है ये बहुत ज्यादा बढ़ते, बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश तो ये समस्या तो है अभी विद्यमान है, जेकरा कि अपना सबके नेपाली सबके जे जनता है, जे निकाय सब है, स्वास्थ्य निकाय से लेकर के सरकारी निकाय है, सबके जे है एक फीडबैक करा पड़ते हैं, बहुत बड़का समस्या है अभी जी। अब डॉक्टर साहब, जना कि शुरुआत के समय में बहुत कम संख्या में छले संक्रमित, अखन एकाएक बढ़ गेले, एकर कारण की रहले? जना कि विदेशों में देखल जाए तो शुरुआत के समय में एक गोटे दू गोटे में, अब बढ़त बढ़त बाद में जाकर किछ महीना के बाद में जाकर गुणात्मक रूप से बढ़ लगले, ने नेपाल में वह देखल जाए छे। अपने के की लगे है से कोनो, जना चीन के बात करी, अमेरिका के बात करी, तो अमेरिका जोड़े देखल जाए तो नेपाल के अपने केहन अवस्था देखल छे, बाद में जाकर ओहने भयावह अवस्था भ सके छे? भ रहले, वी आर, हम सब अपने से अभी जे हम सब भयावह अवस्था के तरफ बढ़ रहल छी, बहुत ही भयावह अवस्था में बढ़ रहल छी, कैला कि जे है से ई नंबर जे है से अभी दिन दुना रात चौगुना बढ़बे करते, आप घटते नहीं बुझा रहल अभी फिलहाल ई स्टेज में। अभी नंबर जे बढ़ रहल छै ओमे बहुत सारा कारण सब है। एकटा कारण की है कि जे भारत से आबि रहल है जे अभी पॉपुलेशन सब, जेकर की बढ़िया ढंग से व्यवस्थापन नहीं भ रहल है, व्यवस्थापन इन द सेंस की वो हमरे सबके नागरिक है, हमरे सबके साथी भाई है, राजू बहनी सब है, तो ओकरा सबके की करे के है कि बढ़िया से टेस्टिंग ट्रेसिंग एंड ट्रीटमेंट वो बढ़िया से अगर बॉर्डर पे कैल जाए वो नहीं भर रहा है। अभी लोग सब जैसे जो पोरस बॉर्डर है, जो नाका है, जो कि 1000 प्लस कुछ किलोमीटर के जो बॉर्डर है, वहीं ओकरा सबके रोक कैल गए, ओकरा सबके सब घर में जाए के भेंट करे के, वो सब की कर रहा है कि सब अथी ढंग से घुस रहा है, मतलब नाका से नहीं भके इमर उमर से जो पोरस बॉर्डर है वैसे घुस रहा है, वो एक बहुत बड़का समस्या है, ओकरा व्यवस्थापन करना बहुत जरूरी है। ये मानवता के नाता से जे नेपाली छे, नेपाली नागरिक सब सब छे जे नेपाल में अपन देश में आवे चाहे छे, उनका सबके आवे देवे के चाहि, लेकिन सरकार से तो व्यवस्थापन में कमी कमजोरी देखल गेले, उनका सबके व्यवस्थित तरीका क्वारंटाइन में रहे के बाद भ सके छे, टेस्टिंग के बाद भ सके छे, ये नीक से नहीं भ रहल छे से अपने के रहल छे। राइट, नीक से नहीं भ रहल है, जना अभी देखियो सरकार जे है से बीच में कुछ शुरुआत केने रही, हर हर कंट्री अभी ऑलमोस्ट हर कंट्री कर रहल है, वो अपन नागरिक सबके जे है जे फसल है, नागरिक सब दोसर देश में ओकरा सबके बुला रहल है, प्लेन से बुला रहल है, अथि करके बुला रहल है, तो वह हिसाब से जे है से अति भी चाहिए, मतलब जे अभी के
भारत नेपाल बॉर्डर पे जो अल्पत्रपरल है ओकरो के ओही हिसाब से मानवीय दृष्टिकोण से बढ़िया से व्यवस्थापन करके लावे के चाहिए। कैला के सब चोरी छुपे आवे है तो चोरी छुपे आवे में ओही में कांटेक्ट अच्छी नहीं भ सके, ढंग से ओकर ट्रेसिंग नहीं भ सके, ढंग से ओकर टेस्टिंग नहीं भ सके, तो ऊ जे है से ई अभी एकटा बहुत विकराल समस्या देखा पड़ रहा है। एमे सरकार के नीति नियम के बहुत बड़का आवश्यकता है। तो अपने के की लगे नेपाल गवर्नमेंट जे कर रहल है हम जना के काज कर रहल छ ई त स्वाभाविक छ नेपाल ओते स्रोत साधन नै छ, यद्यपि नेपाल सरकार ल त समय पर्याप्त छले नै, एहन किसिम के समय चीन के नै भेटले, अमेरिका के नै भेटले, इटली के नै भेटले, स्पेन के नै भेटले, बेलायत के नै भेटले, लेकिन नेपाल ल त पर्याप्त समय छले नै। अपने के केना लगे सरकार ओहि अनुसार के तैयारी नै कर सकले या कर नै चाहलकै, अपने के की लगे? अभी यहाँ अगर देखबे ट्रेंड जो अभी के ट्रेंड है उस ट्रेंड के हिसाब से अगर यहाँ देखबे तो जो अथी सब है मतलब जो इंडिया से आ रहा है अभी भारत से वही में बेसी संक्रमित के वो सब बेसी संक्रमण लाइव रहा है। तो हम कह लिए जना कि व्यवस्था में जना कि विदेश में रहे वाला दाजू भाई अपन दाजू भाई दीदी बहनी है उन्हें जो है से इंडिया भारत बॉर्डर से भी आवे वाला वो सब अपने अथी है तो ओकरा सबके व्यवस्थापन करना बहुत जरूरी है। आ दोसर पक्ष की है कि जैसे अभी जैसे सरकार के जैसे हमरा लगे है कि सरकार के जो व्यवस्थापन है वो ठीके है, एकदम हमर सबके जो इंटेंस लॉकडाउन कही छे वो इंटेंस लॉकडाउन अभी है, अभी हम देखे छे बाहर में रोड पर देखे छे तो आदमी सब नहीं है, बहुत कम है, तो उस हिसाब से सब उद्योग कल कारखाना ये सब बंद है, बिजनेस व्यवसाय सब बंद है। सरकार अपना हिसाब से तो जे भी चलल मान्यता है जे अथी है जे दोसर पूरा वर्ल्ड वाइड जो है चल रहा है उस सबके हिसाब से तो मान्यता अपना ये रहा है। लेकिन अब की जरूरी है कि अब नेक्स्ट फेज में जो है से और बढ़िया से जो है से एक व्यवस्थापन किया जाए ओकर अभी हम बहुत खास देखे स्पेशली जो पोरस बॉर्डर है ओकरा और जो आदमी सब ओहिठाम अव्यवस्थित है ओकरा व्यवस्थित करना बहुत जरूरी है। जी अपने डॉक्टर साहब लॉकडाउन के बात करिए, चीन के लॉकडाउन देखने चीन में केहन किस्म के लॉकडाउन छे, नेपाल के लॉकडाउन अपन देख रहा छी, अमेरिका के बात करी तो अमेरिका में तो लॉकडाउन घोषणे नहीं भेल छे, ओतय नहीं बहुत एहन देश सब लॉकडाउन केहनी नहीं छे, लेकिन बहुत एहन देश सब छे जे सब कर्फ्यू से मतलब होने छे, सऊदी अरब के बात करी तो कर्फ्यू लगाओल गेल छे ओतय, तो अपने के केना लगे जना चीन के प्रैक्टिस के बात करी चीन में जेहन किसिम से रोकथाम कैल गए तो नेपाल के लेल उपयुक्त की छे या केना कैल जा रहा छे, अखन लॉकडाउन ई ठीक छे कि नहीं, एमे ढिलाई करनाई आवश्यक छे, अपने के की लगे? जना चीन के पास देखबे तो चीन के पास पे स्रोत साधन के बहुत बढ़िया ओकर सबके पास में स्रोत साधन है और चीन के जो मोस्टली जो डॉक्टर हॉस्पिटल सब है बड़का बड़का हॉस्पिटल सब सरकार के हॉस्पिटल है, तै दुआरे जैसे सरकार चीनी सरकार जो है ओकरा बहुत बढ़िया ढंग से ओकरा मैनेजमेंट व्यवस्थापन कर सकले, कैला कि सब हॉस्पिटल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है सब गाइडलाइन फॉलो करे है, ओकरा सबके जनशक्ति के कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, कोई चीज की कमी नहीं है। लेकिन वही हिसाब से देखब तो जैसे अमेरिका भी वर्ल्ड के सुपर पावर है ओकरे पास में बहुत बढ़िया जनशक्ति है, लेकिन वो सब जैसे लॉकडाउन के पालना नहीं कल के अभी भी नहीं है लॉकडाउन, अभी भी यहाँ अमेरिका में फ्लाइट लॉस होती है, हम तो 3-4 महीना पहले लिए अमेरिका में दिखा लिया, अभी अभी तक भी साथी सबसे पूछे थे कैसे फ्लाइट सब है अवेलेबल है, जब तभी जाओ वहाँ फ्रीली है, कोई रोक टोक नहीं है, लोग खाली सोशल डिस्टेंसिंग के पालना करके करे, लेकिन तही से जैसे बहुत भयावह स्थिति चली आई अमेरिका में, अमेरिका में अभी बहुत ही ज्यादा एक संकट कहूँ ना, और अमेरिकन सबके सोच की रहे कि जैसे हम सब आर्थिक गतिविधि के जैसे बंद नहीं करबे पहले की इकोनॉमी पे असर पड़ते तो पूरा दुनिया पर असर पड़ते, लेकिन वो जो है से गलत भाग ले। अभी चाइना के केस में देखे छे ओकर सबके जो है से जे नीति नियम रहे चाहे ओकर सबके जे पॉलिसी रहे चाहे ओकर सब जे टैकल कल के हैंडल कल के अभी ऑलमोस्ट नया इन्फेक्शन सब जीरो है, तो वो हिसाब से जो है से अनुकरणीय है ओकर सबके, लेकिन कंप्लीट लॉकडाउन केला के बाद में भी जो है से बहुत सारा लूपहोल सब है, लूपहोल सबके जो है से ठीक करे पड़ते, जना कि अभी सरकार अपन सबसे कोशिश कर रहा है कि अभी जना जनशक्ति सब है मेडिकल पर्सनल सब है कोई केकरो भी कोरोना के एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत कम लोग है जो फील्ड में काम, तो अमेरिका में तो लॉकडाउन नहीं छे ने, नेपाल में तो लॉकडाउन छे, भारत में तो लॉकडाउन, लेकिन संख्या तो बढ़े जा रहा है, जै हिसाब से नेपाल के बात करी तो गुणात्मक रूप से बढ़ रहा है 1 से 150 75 हिसाब से प्रत्येक दिन बढ़ रहा है,
तो घाटा के नाम नहीं, 1000 प्लस भागले टोटल, 1000 प्लस भागले लॉकडाउन इहो मतलब ओते कारगर साबित नहीं भ रहल छै से अपने कह रहल छिए। या अमेरिका जोड़े बात कैल जाए तो अमेरिका जे हिसाब से लॉकडाउन नहीं केलक तो वही कारण से वही जब बहुत संक्रमित भेले से अपने कह रहल छिए कि लगे अपने को अभी एक हम बड़ा मुश्किल है कहना कि केकर पॉलिसी ठीक है, लेकिन अभी हम सब देख रहे हैं कि जो चाइना के पॉलिसी रहे, जो कंप्लीट लॉकडाउन के पॉलिसी रहे, टेस्टिंग ट्रेसिंग ट्रीटमेंट के पॉलिसी रहे, तो वो सब वर्ल्ड में एकटा वह एकटा सक्सेसफुल कंट्री हम देखे छे जो कि सक्सेसफुली एकरा कंट्रोल केने है। और बाकी जेना रसिया छले, अमेरिका है, स्पेन है, अभी सॉरी अथी है, कथी कहे छे ब्राजील है, नॉर्थ साउथ अमेरिका है, अमेरिकन कंट्री सब, वो सब एकदम भयावह विकराल रूप ला लेने। तै दुआरे जे से अभी ओइमे जेना हम कहलिए ने लूप होल सब छोटा छोटा अथी सब है, ओकरा सबके अथी करके ट्रेस करके बढ़िया से ओकरा मैनेजमेंट कयल जाए। मतलब ई कहि कि लॉकडाउन त कयल गेले लेकिन ओइ के बाद के काज सब जेना होइ छै टेस्ट के बाद गड़ल छै ने टेस्ट, हां हां जई गति में करक चाहि, जई दायरा में करक चाहि से कतौ ने कतौ नेपाल सरकार स नहीं कयल गेले। हाँ, टेस्ट के सबसे ज्यादा जरूरी हम अभी देखे के समय में जहिया लॉकडाउन शुरू टेस्ट के अब बहुत बड़का जे हम देखे छे अभी तो मेन टारगेट ग्रुप सब जे है जना सब भेले पत्रकार सब भेले है ना, मीडिया हाउस सब भेले, ओकर बाद में जे डॉक्टर सब भेले, ओकर बाद में जे बॉर्डर पे जे स्टैंडर्ड लोग सब है, लोग सब जे अड़कल है से बॉर्डर पे, कल एक बड़ा दुखद समाचार सुनेला मिले कि एक आदमी के डेथो भ गेले है ना, तो ई सब चीज जैसे उ सब चीज के जैसे कत कत से संक्रमण मूव भ सके, कत कत से चेन इन्फेक्शन भ सके है, ओकरा जे से कंट्रोल करना बहुत जरूरी है अभी। डॉक्टर साहब अखन तो लॉकडाउन चल रहा है, दोसर दिन टेस्टिंग के काज कही तो अखन बढ़ल है, पीसीआर टेस्ट बढ़ाओल गेल है नेपाल में, अपने के केना लगे कि बहुत बढ़ल है? हां, जे हिसाब से बढ़ रहा है तो वही ओहि दुआरे संक्रमित के संख्या बढ़ल है से अपने कह रहा छे कि नया जना अपने कहल कि भारत से अल अखन बहुत आगमन बढ़ गेल है तो ते दुआरे संक्रमण बढ़ रहा है, केना लगे अपने के कारण सब रिजल्ट आबि रहल छै कि वास्तव में भारत से ले लोग सब तेगर बढ़ रहल छै? हमरा लग रहल छै कि अभी जे है से भारत से जे आबे वाला लोग है ओकरा ढंग से व्यवस्थित करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो सब चोरी छुपे जे खुला बॉर्डर से जे आबे है कैला की सरकार जे से अथी नहीं करे है, तो वो एकटा बहुत बड़का समस्या हम देख रहल छियै अभी है ना, एकटा बहुत बड़का व्यवस्थापन जे में जरूरी है देख रहा है। दोसर की देख रहा है कि जैसे जे और भी ज्यादा टेस्टिंग एंड ट्रेसिंग एंड ट्रीटमेंट ये सब के जे है वो करना बहुत जरूरी है। और अभी एक और का बड़का ज्वलन समस्या है कि अर्थव्यवस्था जैसे एकदम अभी अपना सब बजट देखलिए नया बजट तो अर्थव्यवस्था जैसे बहुत खराब भ गेले सभी देश के बड़ा बड़ा से लेकर छोटा देश के, तो वो एक समस्या हम सब जैसे वो एक समस्या है सरकार के धीरे धीरे आखिर कब तक लोग अथी करते कोरोना से नहीं मरते तो लोग भूखे मर जाते वो हिसाब की बड़का समस्या है जना मजदूर सब दिस जना अमेरिका के बात कहल जाए तो अमेरिका की सोचल की हमार अर्थतंत्र बचल रहे ने ओहो द्वारे लॉकडाउन नहीं। हाँ 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 भारत के बात लेकिन लेकिन एक अथी वाला बात की है यहाँ देखा की जैसे लॉकडाउन वो सब नहीं खेल के तैयो जैसे अर्थतंत्र में बहुत अथी है पहला कि जो बीमार भ रहल है ओकरा सब के अथी दे के जो अफेक्टेड फैमिली है चाहे जो बेरोजगार भ रहल है अनएम्प्लॉयमेंट भ रहल है ओकरा सब के भत्ता दे में भी ओकरा सब के इकोनॉमी आखिर एट द एंड ऑफ द डे रिस्को भेले आ बहुत ज्यादा इफेक्टिवो नहीं भेले लॉकडाउन अमेरिका में हमर अपन धारणा पिछला समय में भारत में जैसे शुरुआत के समय लॉकडाउन बहुत निक से कयल गेल छलै पिछला समय में किछ ढिलाई कयल गेल छै ओतो नै एकरा कोन रूप में लड़ल छै कतौ ने कतौ भारत से ये सोच कि हमरा सब के अर्थतंत्र में आब धक्का लग लगलै आब कोनो उपाय नै छै संकट के नै रोक सकबै ये लंबा चलतै बंदो क कोनो फायदा नै छै ओहि निष्कर्ष में पहुंच गेलै। हाँ, एकटा चीज हम की देखने छियै कि जैसे बहुत सारा कंट्री सब में की अथी है कि भाई अर्थतंत्र भी बचाना जरूरी है जे अथी वाला सब डेली वेज करे वाला मजदूर सब है ऊपर सबके बहुत बड़का समस्या है अभी ओकरा सबके जैसे जे दैनिक रूप में काज करे मजदूर ओकरा सबके
जे कि बहुत सिग्निफिकेंट मास के पॉपुलेशन है, ओकरा उद्धार करना बहुत जरूरी है। इंडिया में जे बहुत सारा लूप होल भेलै, जेना ई सब ग्रेजुअली अथी खोललकै है, बॉर्डर खोललकै है, सॉरी लॉकडाउन खोललकै है, एमे बहुत सारा हम सब देखलिए कि जेना वाइन के बिक्री है, अल्कोहल के बिक्री है, ओकर बाद में बहुत सारा चीज के जैसे सोशल डिस्टेंसिंग के पालना करके सब जैसे खोले ला कोशिश कल गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे सब लोग नहीं कल गया, हम सब देखे करे छी सोशल मीडिया में बहुत सारा पिक्चर सब देखे छी, बहुत सारा लोग जैसे सोशल डिस्टेंसिंग पालना नहीं कर रहा है, तो वही से जैसे संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ले है, अवेयरनेस के कमी है ना जी। ये कोरोना वायरस जे छै केहन किसिम के वायरस, जहि हिसाब से कोरोना के जब प्रभावित के बात करी तो अमेरिका बहुत प्रभावित भले, इटली बहुत प्रभावित भले, स्पेन बहुत प्रभावित भले, जो भारत तो भारत में केहन किसिम के प्रभाव रहले, नेपाल में जेहन किसिम से देखल जा रहा है संक्रमित है लेकिन हुनका में कोनो किसिम के लक्षण नहीं देखल जा रहा है, जे व्यक्ति मर जाए तो तेकर बाद पीसीआर टेस्ट कैल जाए छे, तेकर बाद ई कहल जाए छे कि कोरोना से हुनकर मृत्यु भ गेले है, कारण यथार्थ कारण से खोज नहीं रहा है, यद्यपि सरकार कह रहा है कोरोना से मृत्यु भेल है, कोई भारत से चलते चलते अब क्वारंटाइन वही जब पेट खराब हो लेकिन एक बाद मर जाए जब टेस्ट कैल जाए तो फिर कहल जाए कि कोरोना से मृत्यु भेल, कोरोना देखल गए, तब ये बुझ में नहीं आया बहुत दुखद समाचार। जे हिसाब से परिभाषित कर रहा है कोरोना कारण मतलब मृत्यु के कारण जो परिभाषित कर रहा है वो अपने कौन रूप में लगल है एना है कि की होइ छै कि जना कोरोना के डिजीज के एक टा का पैटर्न है, ठीक है, जना कि पैटर्न है कि बुखार के पैटर्न है, चाहे चेस्ट में इन्फेक्शन के जैसे पैटर्न है, चाहे और भी दोसर सिस्टम सब के ना इफेक्ट कर रही है, मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन होइ छै, सब ओकर अपन पैटर्न है। लेकिन कोरोना एकेटा पैटर्न फॉलो करते कहीं के कुछ नहीं है, जना वो अपने पर भी डिपेंड करे, जना अहाँ के इम्यूनिटी केहन है, अहाँ के कोई और कोमोर्बिड कंडीशन सब जना और दोसर डिजीज सब है कि नहीं साथ में, स्पेशली यहाँ सब सुनने हुए कि हार्ट डिजीज है, चाहे डायबिटीज है, चाहे रीनल डिजीज है, चाहे लीवर डिजीज है, ये सब डिजीज सब जैसे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, कोरोना इजी लगे है, इजी टू गेट वेरी सीरियस आल्सो, तो वो सब चीज जैसे अति करे है। अब जना कि अब कहलिए कि हाँ कोई आदमी के डेथ भेला के बाद में तब तो पता चले कि भाई एकरा कोरोना है, तो ई तो एकटा सरकार के नियमन के चाहे सरकार के एक कभी कभी असफलता कह लेकिन जे है से चाहे टाइम पर अथी नहीं भेला, ओकर चेक जांच नहीं भेले, चाहे ओकर टाइम पर ओकर सीरियसनेस के आकलन नहीं भेले, चाहे मेडिकल पर्सनल नहीं रहे, वो हिसाब से भ सके है। तब अभी के टाइम में जरूरी की है कि जे है से आके जे है से ओकरा अथी करे के बहुत जरूरी है, मतलब पेशेंस रख के एकरा और जे है से आगे जी। डॉक्टर साहब सॉरी आई गॉट अ कॉल। हां जी जी डॉक्टर साहब, अब ये सरकार कह रहल छै कि कोरोना से मृत्यु भेले से कह रहल छै, वो जना पोस्टमार्टम से शायद नहीं कहल जाय छै, लेकिन जब रिपोर्ट देखल जाय छै पॉजिटिव तो उनका ई कहल जाय छै कि कोरोना से मृत्यु भेले। नेपाल में जे किसिम के प्रभाव के बात करू तऽ नेपाल में जना विदेश के बात करू, विदेश में की होय छै कि जे वृद्ध छै जे पहिले से कोनो रोग से संक्रमित छै, दीर्घ रोगी छै, जना हृदय रोग भ सकै छै, डायबिटीज भ सकै छै, हुनका सबके बेसी कोरोना इफेक्ट करै छै से बात कहल जाइ छै। नेपाल के जो बात केलै तऽ हरेक एज ग्रुप में कोरोना देखल गेलै, वृद्ध मात्र हरेक एज ग्रुप में देखल गेलै, पाउल गेलै देखल गेलै, स्पेशली जे मोबाइल पॉपुलेशन है, जेना वृद्ध है चाहे बच्चा है, ओकर सबके बेसी काम नहीं रहै छै, चाहे बेसी से बाहर नहीं निकलल, वो सब जो है से तैयो कंपैरेटिवली सेफ है। हाँ देखिए पैटर्न तो जो है से 20 साल से लग करके 40 साल के जो एज ग्रुप है जो बेसी मोबाइल है, जो बेसी मूवमेंट करे है, ओकरा सब में बेसी संक्रमण देखल गेल है। अब वह बात है कि जना अहाँ के इम्यूनिटी केहन है, ओमे बहुत बड़ा चीज डिपेंड करे है, अहाँ के अगर इम्यूनिटी बढ़िया है तो अहाँ फाइट बैक कर सकते हैं, अहाँ की इम्यूनिटी बढ़िया नहीं है, अहाँ के पोषण बढ़िया नहीं है, न्यूट्रिशन बढ़िया नहीं है, चाहे टाइम पर अहाँ के उपचार नहीं मिल रहे, तो वैसे की से लंग्स सब में जो है पानी भर जाए, तो लंग्स सब के जैसे न्यूमोनिया टाइप सिंड्रोम होइ छै, बड़ा सीवियर न्यूमोनिया होइ छै,
तो जैसे उभा के जैसे अथी भेजते तो उसमें बहुत सारा फैक्टर सब है जो अफेक्ट करे है। तो लेकिन जो है से बच्चा और वृद्ध के जो है से में बेसी अथी रही है, बच्चा और वृद्ध के में बेसी चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड और चांसेस ऑफ बिकमिंग सीरियस बेसी हो गई में। जी डॉक्टर साहब, अपने बाल हृदय रोग विशेषज्ञ छे तो की कह चाहबे, जना कि कोरोना बेसी संक्रमण तो हुनके में देखल जाय छे, जे सब पहिले से कोनो ताड़ित रहै छे पीड़ित रहै छे तिनका में देखल जाय छे, तो हुनका के लेल सलाह सुझाव। हाँ, जना ओय में की सलाह दे छे देला चाहे छे हमारा कार्डियोलॉजिस्ट के हिसाब से कि यहाँ अगर मुटु के बीमारी से परेशान छे, चाहे डायबिटीज से छे परेशान पहले से छे, यहाँ के अहाँ सबके स्पेशल केयर लिया के पड़त। दवाई सब जे भी रेगुलर खा रहल छे वो दवाई सब जैसे स्टॉप करके रखू, वो दवाई सब रेगुलर खाओ। ओकर बाद में जैसे अहाँ हाई रिस्क में छे तो कोशिश करबे कि हाँ टू अवॉइड बाहर जाए के अवॉइड करे पड़ते, सोशल डिस्टेंसिंग अहाँ स्ट्रिक्टली फॉलो करे पड़त। अगर अहाँ के डिजीज लगियो गए तो जैसे अहाँ हॉटलाइन सब है अथी सब है वही सब में जैसे जाके अहाँ सुझाव लऽ सकै छी है ना। अहाँके जैसे अगर घर में कोई केकरो लगल है तो उनका सबके विशेष ध्यान दिए पड़ते कि बच्चा और वृद्ध से जैसे दूर रहू, उनका सबसे अपना आपके सेल्फ क्वारंटाइन में रखो। अगर हल्का सर्दी खांसी आवे तो जैसे अपन रूम में जैसे अलग रहो, अपन यूज करे के सामान सब जैसे सब अलग रखू, खाना उना के बर्तन अलग रखो। कम से कम एटलीस्ट अहाँ अपना सेल्फ क्वारंटाइन में छे तो अहाँ नहीं हो कोरोना तो कम से कम रोग खोकी लगल रहता अहाँ तो वो ट्रांसमिट करेबे उससे बचा सकते से अपन परिवार के, बहुत जरूरी है। ओकर बाद में जे है से दवाई सब अहाँ सब जे भी दवाई खा रहल छी एकदम रेगुलरली खाओ, दवाई कहियो जे है से नहीं छोड़ू, कैला कि जैसे दवाई खाए तो अहाँ के जैसे सिस्टम जे है से बैलेंस में रह है ना। ओकर बाद में खूब बढ़िया न्यूट्रिशन लू, प्रोटीन सब लू, दूध वूध लू, मासू सब लू, मासू सब में जे है से बढ़िया से पका के बढ़िया से ओकरा हैंडल करब। अभी तक तो जैसे जानवर में बिलाई और अथी में कैमल में देखा पड़ल है, लेकिन अभी तक पोल्ट्री में चाहे खसी बाखरा में चाहे अथी में नहीं देखा पड़ल है अभी तक, चाहे मछली में इस सब में संक्रमण अभी तक नहीं देखा पड़ल है। तो ठीक है, प्रोटीन डाइट एकदम पानी बहुत से पियो, पानी पीना बहुत जरूरी है, दिन में कम से कम 4-5 गिलास पानी। जैसे कहा जाए छे कि एनिमल प्रोटीन नहीं खाओ, एक मतलब ये भले कि आप मांस मछली सब नहीं खाओ से कहा जाए छे, वेजिटेबल बेसिकली नहीं, कोनो बात नहीं। हां ठीक है, फल फूल सब खाओ। अभी तक जैसे कोनो में हम जे कहली नहीं, अभी तक में जैसे ट्रांसमिशन अभी तक नहीं देखल कोनो पोल्ट्री प्रोडक्ट भ गेले चाहे डेयरी प्रोडक्ट भ गेले है ना, जना दूध उधी सब भेले चाहे डेयरी एनिमल सब है गाय भैंसी सब है, अभी तक ट्रांसमिशन कोविड के चाहे सार्स के एकटा दोसर रूप है ओहिमे नहीं देखल गया है अभी तक तो अहाँ सब। हाँ लेकिन की है कि अहाँ कहियो नहीं कैला कि वायरस जैसे चेंज कर रहा है, म्यूटेशन भ रही है, अपन रूप चेंज कर रहा है, अहाँ के की करे पड़त कि जैसे अहाँ के जैसे एकदम ख्याल ध्यान रखे पड़त कि जैसे जना मांस मछली सब लाबै छे या कुछ मछली लाबै छे अंडा लाबै छे तो ओकरा जैसे बढ़िया से हैंडल करब, बढ़िया से हैंडल करब मतलब प्रॉपरली हैंड वॉशिंग, प्रॉपर ढंग से अथी रॉ नहीं खाएब है ना, जना सेकुआ ये सब सब ट्राई टू अवॉइड दैट, अभी ओकरा सबके अवॉइड करे में बढ़िया है। ओकर बाद में जैसे एक्सरसाइज करूँ, योगा करूँ, अगर एक्सरसाइज नहीं कर आ सकते तो योगा सब करूँ, बढ़िया फ्रेश एयर लू, खिड़की झाल सब खुला रख के रखू। ओकर बाद में जैसे अभी लोग कहे है लेकिन आई डोंट नो अगर ओकर वैज्ञानिक अभी प्रमाण तो नहीं है, लेकिन लोग कहे है कि हाँ जिंजर टी चाहे ग्रीन टी सब गरम गरम चीज पीला से हम ही नहीं कह चाहिए वो ट्रीटमेंट है, लेकिन आगे इम्यून सिस्टम चाहे बॉडी के लगे इट्स ऑलवेज गुड, उनमें कोई खराबी नहीं है। जिंजर टी बहुत जिंजर के जना गरम करके चाय में अथी में सब पी सकै छी। ओकर बाद में जे है से अथी सब पे साफ सुथरा पे एकदम ध्यान रखू है ना, हाथ उथ क्लीनिंग के जे मेथड है मैं वही हिसाब से क्लीनिंग करू। बाहर जाए के टाइम में जे है से मास्क लगाओ, मास्क एकदम अनिवार्य रहे, पहले कही छी लेकिन मास्क लगाओने कि न लगाओने तब अभी, लेकिन जे है से मास्क जे है से एकटा बहुत जरूरी है, मास्क के साथ में ग्लोव्स
जे रबर ग्लोव्स आवे सर्जिकल ग्लोव्स आवे है वहाँ बाहर जाए छे पैसा उसा छुए छे कुछ छुए छे तो ग्लोव्स लगा के यहाँ यूज करू जेना दुकानदार दुकान उकान में है चाहे अथी में है सब है जेकर अथी कॉन्टैक्ट में आवे के जो बेसी चांस है तो मास्क यूज मास्क और ग्लोव्स यूज करू है न तो ई सब चीज उपाय अपनाबे से अथी भ सके है। अब जे है से ट्रेसिंग के बात भेले लेकिन अभी ट्रेसिंग करना बहुत जरूरी है। अगर मान लिया अहाँ के गाँव घर में अभी जब एक हिसाब से बढ़ रहा है संक्रमण गाँव घर में अगर केकरो लगल है संक्रमण तो अहाँ ओकर अथी में आयल छी अगर कॉन्टैक्ट में आयल छी बहुत स्वाभाविक है ना कि भऽ सकैए। अगर अहाँ कॉन्टैक्ट में आयल छी अगर अहाँ के सिम्टम देखा पड़ैए तो अपना आपके तुरंत सेल्फ क्वारंटाइन में रखू ओकर बाद में देखू कि ना की है। कोरोना वायरस लगला के मतलब ये नहीं है कि अहाँ के लगले तो अहाँ के डेथ भऽ गेलै वो नहीं है। कोरोना वायरस के जैसे सही ढंग से ट्रीटमेंट सही ढंग से अथी किया जाए तो कम से कम अपनों भी बच सके अपन परिवारों के बचा सके चाहे अपन भाई साथी भाई इष्ट मित्र सब भी बचा सके जी। सब बात तो सब बुझले बात है। हाँ अब अंत दिशे चल जाए छी नेपाल के और चाइना के जे स्वास्थ्य सुविधा सब छै स्वास्थ्य सेवा छै केहन छै कते फर्क देखै छी कंपेयर नहीं कयल जा सके फर्क सिस्टम के करिए सिस्टम केहन छै जेना चाइना के केहन छै सिस्टम स्वास्थ्य सेवा दिए के सिस्टम केहन छै नेपाल के केहन छै भौतिक पूर्वाधार नहीं भ सकै छै लेकिन एकटा सिस्टम सही अपनाओल जा रहल छै नेपाल सँ। देखो अभी कोरोना के ट्रीटमेंट में जे सिस्टम जे है से नेपाल में सही है ना जे मापदंड होय के चाहिए जे बेसिक मापदंड बहुत लैविश है बहुत लग्जरियस है बहुत मॉडर्न अल्ट्रा मॉडर्न सिस्टम नहीं है अपना सब के पास पूर्वाधार लेकिन जे बेसिक पूर्वाधार होय के चाहिए वो है नेपाल के पास में। अभी जैसे पेशेंट के इलाज ढंग से भ सके हाँ भ सके है कि जना पेशेंट के ट्रीटमेंट करे के लागी घर है उनमें ढंग के वेंटिलेशन नहीं है। अब हम सब सुनी छे कि घर में वेंटिलेशन नहीं सैनिटाइजेशन बढ़िया से नहीं है साफ सफाई नहीं है सब नहीं वो सब समस्या सब है लेकिन विदेश में ये सब चीज के बहुत कम मतलब है साफ सुथरा या तो पूर्वाधार कहू बहुत बढ़िया मशीन सब है लेटेस्ट मशीन सब है पूर्वाधार सब बढ़िया रहे गाइडलाइन सब जो भी लेटेस्ट कॉर्डल गाइडलाइन अभी डेली चेंज भ रहा है। अभी जो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अभी पूरा वर्ल्ड में लोग अथी कर रहे ले, खा रहे ले, लेकिन अभी दो तीन टा कंट्री में सुनलिए कि बंद कर देने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आई मीन वो ओतक यूज नहीं भ रहा है। और भी जे ओकर जे ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल है जना न्यूमोनिया के लाइक्स ओकर ट्रीट करे के जे जे सिम्टम्स सब आबे ओकर ओहि हिसाब से ट्रीट करे के अभी तक वैक्सीन निकलल नहीं है। कोई भी जे ऑफिशियल वैक्सीन निकलल नहीं अगर निकलियो जेते काल के दिन में क्लिनिकल ट्रायल अप्रूवल भ जेते तो वैक्सीन पहुंचे में अहाँ के कम से कम 6 महीना से साल भर लगत। तो एक इहो एक अथी आबि रहल है कि हमरा सबके जे है से कोरोना से ओहने करके साथ साथ में जिय पड़ते जना कि इन्फ्लुएंजा वायरस है चाहे अथी है हम सबके वही हिसाब से साथ में रह पड़ते आई मीन वी हैव टू लिव टुगेदर हमारा सबके साथ साथ में रह पड़ते जना एड्स है वही हिसाब से हमारा सबके साथ साथ में सामाजिक ढंग से रह पड़ते। एक इहो देखे में आयल है कि जे है से हेलो जी जी हेलो जी कॉल रहे हो सर सुन रहे हो जी 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 हाँ तो वही हिसाब से जैसे ये अभी बहुत जल्दी है जल्दी जाए वाला हमर अपन पर्सनल अनुमान की हम नहीं देखे छे कि बहुत जल्दी जैसे हम सब एक से निजात पे या छुटकारा पावे तो वही में सबसे बेसी जरूरी है कि अपने सबके सावधान रहे के बहुत जरूरी है सावधान रहो अथी सब अपनाओ सोशल डिस्टेंसिंग के उपाय सब अपनाओ अर्थव्यवस्था के जहां तक बात है हमारा लगे कि ग्रेजुअली खोले के चाहिए धीरे धीरे। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब से खुलना बहुत जरूरी है। जी धन्यवाद स्वस्थ और सुरक्षित रहो। दर्शक बहन ओ छलैथ डॉक्टर रमित गुप्ता बाल हृदय रोग विशेषज्ञ आई हुनका सब बातचीत कर रहल छलिए जे कोरोना रोकथाम आ नियंत्रण के प्रयास नेपाल में केना के चल रहा है विशेष डॉक्टर रमित वो चाइना में करीब 20 साल से रह रहा है अखन वो नेपाल में छे गायघाट से वो संपर्क में छे वो कह रहा छे कि लॉकडाउन सेहो किछु खोलक चाही लेकिन सतर्क होना जरूरी है
सावधानी अपनाए जरूरी है, डिस्टेंस कायम केनाए जरूरी है, यह बात को सुझाव दौड़ा बेस्त कोरोना विशेष से विदा ले नमस्कार।